आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। आई एम अ फैन ऑफ मोदी आई एम अ फैन ऑफ मोदी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो जल्द बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर। अब हम 2035 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे या बन सकते हैं। तो पूरी बात ये है कि जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ ने देखा कि जो हमारे मोदी जी हैं वो US दौरे पर हैं, तो उधर उन्होंने आनन फानन में अपना सूटकेस उठाया। हालांकि उसके अंदर कटोरा है लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सूटकेस उठाया क्योंकि वो पीछे कैसे रह सकते थे और चल दिए फ्रांस की तरफ। दोस्तों से जान छुड़ानी चाहिए और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल-ए-एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने। आपके सामने एक और खबर बताई देते हैं और वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस के विजिट पर हैं, पहुंच चुके हैं पेरिस और वहां पर उनके साथ डेलीगेशन के साथ गए हैं। तरला प्रोग्राम है, अब एक नया भीख मांगने का प्रोग्राम और एक मिन्नत समाजत का एक नया दौर। आज शहबाज शरीफ साहब पेरिस की तरफ गए हैं, वहाँ पर क्लाइमेट समिट है, तो साइड लाइन्स पे दरख्वास्तें कर रहे हैं कि IMF के डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हो जाए। मुझे ये बातें करते हुए कोई खुशी नहीं महसूस हो रही, इसलिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की इज्जत और उसका जो मकाम है वो हमारे सबके सामने है। इकोनॉमी की बात होगी, पैसे कुसे की, डॉलर्स की बात होगी, वो अपना बात कहे बगैर नहीं रहेंगे क्योंकि इस वक्त जिस हम सिचुएशन, यानी कटोरा जो है वो पीछे नहीं रह सकता। अब आपको पता है भाई क्या करें, कटोरे के बगैर काम इसलिए नहीं चल रहा कि अगर इस क्राइसिस से निकलना है तो लोगों के सामने वो तो आगे करना पड़ेगा, लेकिन इस कटोरे से निकलने के लिए ही ये जो इकोनॉमी रिवाइवल प्लान है वो सामने आया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SP न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि आपने पता ही होगा कि कल योग दिवस के मौके पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने 180 देशों के बड़ी बड़ी मतलब देशों के साथ मिलकर मतलब वहां पर योग किया है। आपने क्लिप्स में देख भी लिया होगा, पहले मैंने कल क्लिप्स भी डाली थी। और उसके बाद बता दूं कि जैसे ही उनका वहां भव्य स्वागत हो रहा था और हमारे नरेंद्र मोदी जी का मतलब एक अलग ही वर्चस्व है, इलोन मस्क ने भी उन्हें मतलब उनको अपना उनको फैन मतलब अपना फैन बताया है अपने आप को मोदी जी का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बात शहबाज शरीफ को पता चली यानी कि पाकिस्तान के PM कटोरा शरीफ को, तो उन्होंने भी अपना सूटकेस अपना थैला उठा लिया, और क्योंकि वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, थैला उठाने के बाद उसमें वो कटोरा डालकर चल दिए फ्रांस की विजिट पर। फ्रांस पर अब उनका इन्हें सपने देखने की आदत है, अब इन्हें कुछ ऐसा लग रहा है, आपने क्लिप्स में देखा होगा कि 2035 तक ये $1 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के इन्होंने सपने सजोए हैं और फ्रांस की फिलहाल विजिट पर हैं क्योंकि उनको भी पीछे नहीं रहना है, चाहे बेइज्जती हो जाए लेकिन फिर भी उनको अपनी जो है करानी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोदी जी अगर गए हैं तो जाना उनको भी है, कुछ इस तरीके की उनकी बात है। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जो काउंसिल बनाई गई है वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, यानी कि SIFC, जैसे CPAC है उसी तरीके से SIFC ये काउंसिल बनाई गई है। इसमें 5 मेजर जनरल्स भी इसको ओवरसी करेंगे या देखेंगे मैनेजमेंट, ये सब कुछ ठीक है, वो आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये काउंसिल इन्वेस्टर्स के लिए जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो बॉटलनेक्स, जो रेड टेप, जो हर्डल्स होती हैं उसको रिमूव करेगी। अब देखें यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना उनके इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे मसाइल ये होते हैं कि मतलब कि अलराशी वलमुर्तशी यानी कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जानूमी है और दोनों भरपूर तरीके से पेट भर के रिश्वत लेते और देते हैं और समेटते हैं, तो इन चीजों को खत्म करने के लिए ठीक है। अब वो तो देखेंगे, ऐसा भी होता है समटाइम्स के खत्म करने के बजाय वो बढ़ भी जाती हैं, लेकिन जो इसके मकासद हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो होगा वो तो हम आगे भी उसको देखते रहेंगे। अच्छा, फिर इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जहां पर ये स्ट्रेस किया एक्सपोर्ट्स हैं ओरिएंटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी है। व्हाइल द आर्मी चीफ प्लेस्ड द फुल सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, इसमें जो की सेक्टर्स हैं वो हैं एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक्स, मिनरल्स, माइनिंग, IT, एनर्जी,
इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, ये दो बातें की गई। अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, हमें मदद देने से इनकार करता है, हमारे बारे में घटिया बात करता है, भले इन हुक्मरानों की वजह से कर रहा हो, तो भी हमारे लिए, सबके लिए ये बायस शर्मिंदगी है। इसलिए कि बहरहाल ये हमारे इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव तो यही है। इसहाक डार साहब ने बहुत कोशिशें की और उन्होंने बड़े चक्कर भी चलाए, झूठ भी बोले मीडिया में अपने दोस्तों के हमरा, जो जिस तरह मीडिया पर पूरा कब्जा है इनका, खबरें भी दी कि जी IMF से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे आ गए हैं, फलाने पैसे दे दिए, लेकिन ना किसी दोस्त मुल्क ने पैसे दिए, ना IMF ने कभी कोई यकीन दहानी कराई थी, ना ही उन्होंने हमें अपने किसी उसमें शेड्यूल में रखा। और ये इस महीने के एंड पे 30 को ये जो है प्रोग्राम लैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया, मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों से भी दरख्वास्त की, लेकिन कुछ किसी ने बात नहीं सुनी। और कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं IMF की ज़रूरत है। और अब शहबाज शरीफ साहब आज पेरिस के लिए रवाना हुए, जब तो उन्होंने ये कहा कि वो साइड लाइन्स पर जो क्लाइमेट समिट है उसमें वो मिलेंगे उनसे, IMF की जो डायरेक्टर है उससे उन्होंने मुलाकातों की ख्वाहिश की है। इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं कि इस वक्त भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अमेरिका जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि, मैं देख रहा था बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया देख रहा था, कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पर लेके जाएगा। और ये जो ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज है उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग, तो एक जगह पे लिखा हुआ था, बट एनी हाउ। और एक तो इस सारे ट्रिप का एजेंडा ये है। अब आप देखें, इसी सारी कहानी में जिस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तानी है उन्होंने भेजना ख़त्म कर दिया है, डॉलर की जो और रुपी की प्राइस में जो फ़र्क है, कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। और यहाँ पर हुकूमत कह रही है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट वो फैसिलिटेशन, जैसे वो कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल उन्होंने बनाई है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे, हमारी तो दुआ है। पाकिस्तान के लिए कोई भी काम करे अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। लेकिन अब ये जो हुकूमत है पिछले एक साल से ये चवन्नी नहीं ले सकी किसी से, तो ये क्या स्पेशल इन्वेस्टमेंट लेगी? और जो टारगेट रखे गए उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और इकोनॉमी और उसका कहानियां है सारी वो, और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब के, अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि PM मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनके वो पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पर मिलता है, ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें, एलोन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलोन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलोन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे, और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और बस के अलावा तकरीबन और भी कोई 20-21 बिजनेस लीडर्स हैं। अब देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के दो डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो आप, मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। आज भी मैं आपको बताता हूँ, मैं तो बहरहाल हैविंग सेड दैट कि ये बहुत मुश्किल टारगेट है, हम दुआगो हैं कि ये हासिल कर लें, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में जो पकड़ धकड़ है, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो यहाँ पर लॉलेसनेस है,
मुझे बताइए कौन यहाँ पर आएगा बाहर से पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जब पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में नहीं आ रहा, तो ये गोरा या काला या कोई अरबी या कोई और नेशनैलिटी का बंदा ये क्यों आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पर तो कुछ भी जो है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल या विचार ज़रूर आया होगा, इसलिए उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।